वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। सो नाउ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सेकंड ब्लॉग में बताया था मैं नेपाल दोबारा क्यों विजिट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उसमें रीजन दिया था। सो मेरा रीजन था भी वो। सो मैं बताऊं, मैं एक्चुअली मिले आया था जेट प्रभजोत से, क्योंकि भाई वो रियली बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है। एक्चुअली मैं उसका फ़ैन भी हूँ बहुत। सो मैं उसका वीडियो भी देखता था नॉर्मली। सो उसका काठमांडू एक्चुअली जब वो ट्रिप करा था अपनी H2 से, सो उसका एक्सीडेंट हो गया था मैं भी नियर कहीं काठमांडू में। सो उसमें एक बुजुर्ग जो थे मैं भी 70 साल के पुराने, उनके हो गए थे डेथ। और भाई जो जेट पर जो थे उनका भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी बाइक यहीं कहीं काठमांडू के पुलिस स्टेशन में है, बट मैं भी वहाँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि भाई पुलिस स्टेशन के रूल्स अलग होते हैं। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड ना करने दे, सो मैं पुलिस स्टेशन तो जाऊंगा नहीं। बट मैं आपको बताऊं, देखता हूं, मुझे पता चला है कि एक हॉस्पिटल है जिसका मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई क्योंकि प्राइवेसी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, सो मैं वो तो नाम नहीं बताने वाला। बट मैं कोशिश करूँगा कि उस हॉस्पिटल में जाऊँ और भाई जेट प्रभजोत से मिलूँ और उनसे पूछूं कि उनकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। और मैं नॉर्मली भाई बता दूं, उसकी हेल्थ तो अच्छी है, मतलब पहले से कंडीशन बेटर है पहले से अब। बट मैं अपनी आंखों से देखूं कि उसकी हेल्थ अभी कैसी है। सो अभी मैं तो घूम रहा हूं थमेल काठमांडू के गलियों में। एक्चुअली मैं अपने हॉस्टल से निकला, ये मे भी काठमांडू का लास्ट ब्लॉग होगा, क्योंकि मैंने पहले आया, मैंने सोचा पहले एक्सप्लोर करूँ काठमांडू, फिर लास्ट ब्लॉग में मिलते हैं जेट प्रभजोत सर से, क्योंकि ना भाई उससे भी मिलना ज़रूरी है भाई यार। वो बहुत एक्चुअली ना बहुत ही उसका मुझे बेस्ट लगता है सिस्टम। मैं कहने ज़्यादा अपने मैं अपने मुँह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अगर आप उसके फ़ैन हो या ब्लॉग देखते हो जेट प्रभजोत सर के, सो आपको नॉर्मली पता होगा। सो देखते हैं भाई क्या रहता है पर सिस्टम, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे जाऊँ हॉस्पिटल में वीडियो रिकॉर्ड न करने दें, क्योंकि भाई मुझे लगता भी है कि वहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करना भी नहीं है, क्योंकि यार भाई वो इतनी प्रॉब्लम में है और मैं वहाँ पे उसका वीडियो शूट करूँ, सो यार भाई गंदा लगता है यार। वो कहेगा कि तू अपने वीडियो के चक्कर में आया है यार। भाई मैं रियली इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो तो मुझे लगता नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करूँगा अगर उससे फ़ोटो वगैरह मिल जाएगा सो बेस्ट है, क्योंकि यार पहले से कंडीशन तो अब बेस्ट है मुझे लगता है। कि मैंने जो भी मुझे अपडेट मिली ऑनलाइन थ्रू, क्योंकि भाई नॉर्मली मैं इसका कोई खास या उसका रिश्तेदार तो होने तो मुझे मुझे मिलेगा कोई अपडेट, बट हाँ मुझे जो नॉर्मली ऑनलाइन डेटा इंटरनेट के हिसाब से मिला है, सो उसी के हिसाब से मुझे पता है सारी जानकारी। और यार मैं आपको बताऊँ, घूमते घूमते मैं दूसरी रास्ता पे गया यार। सो अभी के लिए मैं आपको बताऊँ, पहले तो मुझे जाना है हॉस्पिटल, देखता हूँ क्या है, देन मैं भी जो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है, क्योंकि यार ऑलमोस्ट मेरा ये ब्लॉग एंड अप होने हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज मुझे लगता है यहाँ पे काठमांडू का एंड हो जाएगा, बट अभी इसके बाद नेक्स्ट 1, 2 और 3 में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं जाने वाला जनकपुरी एंड समथिंग दिस बहुत ही प्लेसेस। सो मुझे लगता है अभी और आना चाहिए, बट जैसा मुझे लगता है भाई, मैं कोशिश करता हूँ अपनी दिखाने का सब कुछ। ये जो है काठमांडू का एक लिया है भाई। भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत लोग जेट प्रभजोत के बारे में ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी भाई, उस पर उन्होंने बहुत ही सारी गंदगी फैलाई हुई है उसके भाई, इतना उसके बारे में पता नहीं क्या फलाना दिमाग का गलत वलत बोला है, मगर मैं वो बोल नहीं सकता अपने, इतना गलत यार बोला, क्योंकि यार भाई किसी की प्रॉब्लम में भी आप लोग मज़े लेते हो यार, भाई रियली ये गलत है यार, क्योंकि आज अपनी फैमिली रख लो, अगर तुम्हारी फैमिली कोई फैमिली पे मजाक बनाए या गलत बोले कितना गंदा लगेगा। सो मुझे बहुत बुरा लगा भाई, मैं नहीं बोलता भाई, मुझे व्यूज आए भाड़ में जाए, ठीक है, इसी में खुला कर रहा हूँ, कुछ लोग व्यूज के चक्कर में गलत सलत ब्लॉग बनाते, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने देखो एक ब्लॉग बनाया भी था यार, उसके उसके लिए दुआ मांगी, विश मांगी कि भाई वो जल्दी ठीक हो यार, अगर आपको व्यूज़ चाहिए नॉर्मली अच्छा ब्लॉग बना के डाल सकते हो ना भाई, व्यूज़ पा सकते हो भाई, उसके लिए दुआ करो, नॉर्मली दुआ वाला ब्लॉग बना सकते हो, विशिंग कोई मंदिर में जाओ पूजा करो यार उसके लिए भाई, प्रे करो, क्योंकि नॉर्मली किसी के लिए अगर अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। हाँ भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैं हंस कभी कभी नॉर्मली मैं हंसता रहता हूँ, मैं थोड़ा फनी टाइप का हूँ भी, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ ये कि
लाइक मैं आपको बहुत ही लाइक इमोशनल अत्याचार कर रहा हूँ, बट क्या यार ऐसी बात ही है, कुछ लोग मैं कभी भी माइंड ख़राब भी हो जाता है लोगों पे। इन लोगों ने वीडियो मेरे देखे हैं, उनको पता है कि मैं अभी नेपाल में हूँ, और कुछ लोग सोच रहेगा ऐसा तो नहीं है इंडिया के ब्लॉग बनाए, मैं आपके मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं एक लाइक संतुष्टि के लिए बताऊँ। ये देखो गाड़ी दिख रही है, इस पर नंबर प्लेट देखो, लाइक नेपाल की है भाई। मतलब ये गली जिसने मैं मतलब मेरा ब्लॉग जिसने देखा उसको तो पता है कि मैं तमिल में हूँ, काठमांडू में। सो नाउ ये तो सारी गली है तमिल की, जो मैं उस साइड से, तो वो तो थोड़ा आउटसाइड था तमिल का, लाइक रत्ना पार्क साइड। सो अभी के लिए मैं एक बार आया था एक्चुअली, लाइक अपने हॉस्टल से वापस आ गया था, बट फिर दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। सो वो मैं नहीं बताऊँगा, वो पर्सनल है, बट दोबारा मुझे जाना पड़ रहा है। और उस एक्सीडेंट में जिस लाइक बुजुर्ग भाई की लाइक डेथ हुई थी ना, उनकी फैमिली के लिए मेरी तरफ से कंडोलेंस, लाइक बहुत दुख हुआ ये सुन के, बट क्या करें, समय होता है कभी कभी ऐसा होता है, जान के तो होना है, हो तो नहीं भाई जान के कोई नहीं करता, राइट। गुड मॉर्निंग भाई लोग, एक्चुअली आज का दूसरा दिन है मेरा लाइक तमिल का। मैंने आपको बताया था कि मुझे मिलना है जेट जो से, बट मैं मिल चुका था भाई। एक्चुअली मैं बताऊँ, एक्चुअली वहाँ पे हॉस्पिटल में लाइक मैं उनसे मिलने गया भाई, और उसका हॉस्पिटल का नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं बताना है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, नियर बाई काठमांडू के ही पड़ता है। और मैं उनसे मिला तो शाम भी हो गया था, रात भी हो गया था भाई। उनकी कंडीशन लाइक अच्छी है, पहले से तबीयत अच्छी है, और बहुत अच्छे से बात भी किया था जट प्रज्योत भाई ने। और क्या यार रियली मैं उसको देख के बड़ा अंदर से थोड़ा इमोशनल भी हुआ था भाई, मतलब कितना अच्छा ट्रैवलर है उसकी लाइक। हाँ मगर ये अच्छा है, वो जल्दी उसके लाइक जो पैर थे फ्रैक्चर हुआ था ना वो सही हो जाएगा, तो उसने मतलब बात मैंने नॉर्मली उससे बात किया था, तो मे बी 2-3 मंथ भाई, 2 महीने तो मुझे लगता है लग जाएगा। सो मैंने एक्चुअली नॉर्मली बात नहीं किया था इतना पर्सनली कि आप कब ट्रैवल में भी स्टार्ट कर सकते, क्योंकि यार इस टाइम उससे ये सब पूछना मुझे सही नहीं लगा भाई। वो वैसे भी प्रॉब्लम में हॉस्पिटल में, तो मैंने बस जो है नॉर्मली उससे थोड़ा उसकी तबीयत का बात किया नॉर्मली भाई, फ़ोटो भी नहीं खिंचाया मैंने कि एक्चुअली ना मैं वो सोचे कि यार तू केवल सेल्फी वगैरह के लिए आया था, बट मैं एक्सेप्ट कुछ भी नहीं किया और उसे मिला, उसकी तबीयत का हल्का मैंने मगर एक बार जरूर दिखाया था एक वीडियो मैंने उसको कि भाई मैंने देखो तुम्हारे लिए विश किया था भाई, भाई मेरा बस ऐसे मन हो गया कि दिखाने का, भाई बहुत खुश हुआ था, अच्छा लगा कि आप मेरे लिए इंडिया से लाइक काठमांडू मिलने आए हो भाई, बहुत खुश हुए थे। उनके भाई भी मिले थे क्या, नहीं सर वो भाई नहीं, उनके जीजा है भाई, हाँ जीजा है वो, तो हाँ वो मिले थे मुझे, उनसे भी बात किया था। तो नॉर्मली भाई ज़्यादा टाइम नहीं मिला, शायद मैं भी 4-5 मिनट का टाइम मिला था बात करने का उनसे। सो मैंने नॉर्मली बात किया और हॉस्पिटल से निकल गया। मैंने ना ही हॉस्पिटल को रिकॉर्ड किया था ना ही उनसे लाइक बात करने टाइम, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा कि लाइक उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, सो अब दिखावा नहीं करना चाहिए, सो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बट मैंने एक लाइक कहानी जैसे स्टोरी नहीं होती, मैंने लाइक स्टोरी टाइप का बस शेयर कर रहा हूँ आपसे, और मुझे भी लगता है कि स्टोरी टाइप का सही भी रहेगा, क्योंकि भाई लाइक नॉर्मली वो सही होता तो ब्लॉक कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने मतलब नॉर्मली मुझे लगता है वो नहीं मना करते, बट मैंने अपनी तरफ से सोच के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ना ही नॉर्मली ज़्यादा पूछा, बस उनकी हेल्थ देख के एंड बस वहाँ से निकल आया था। मैं हॉस्टल में आ गया, यार थक गया था तो सो गया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आज फिर उठा तो मैंने सोचा कि भाई आपसे शेयर कर दूँ जो भी बातें हुई, और जल्दी जट प्रज्योत मिलेंगे एक नई राइड के साथ, अच्छे जब अच्छे हो जाएंगे जल्दी। तो बट ये है मैं जब वो मिले थे थोड़ा इमोशनल जैसा हो गया था, लाइक भाई हर आदमी हो जाता है भाई। तो दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो से वो। सो बस हाँ इतना ही था मुझे बताना आपको, और आप भी लाइक विश कीजिएगा कि भाई जल्दी सही हो जाए। सो मिलते हैं आपको जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड नाउ हाँ ऐसा ही कुछ था इन्फॉर्मेशन लाइक बाय। तो मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड या कीप पीस आउट।